हेलो गाइस, आज मैं फिर डबल इंटीग्रेशन मेथड में आपके लिए थर्ड टाइप ऑफ बीम नहीं, आज हम सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पॉइंट लोड एंड यूडियल लोड के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से आप उसका डिफ्लेक्शन एंड स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कैंटिलीवर पे देखा था कि किस तरीके से हमने उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला था। अब यही हर चीज़ हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर देखेंगे। सो सिंपली सपोर्टेड बीम, चलो पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि होता कैसे है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, अब ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, या ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और मैं मान रही हूँ कि आपका जो लोड है वो बिल्कुल मिड ऑफ द बीम है। ठीक है, अगर ये मिड में नहीं बन रहा है, यहाँ लगा दो बिल्कुल मिड। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि आपका जो लोड डब्ल्यू है वो एट पॉइंट सी, जो कि बिल्कुल मिड में है आपके बीम के। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये पूरी लेंथ हो गई एल। ठीक है, ओके, तो ये इस तरफ क्या हो गया, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ये एल बाई टू हो गया और ये एल बाई टू हो गया होल ओवर एल। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये हो गया। अब आप इस लोड की वजह से जो आपका डिफ्लेक्शन आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसे ही आएगा कुछ। ठीक है, इसको बोलते हैं सैगिंग। ठीक है, सैग आ गया है, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे करना क्या है, ऐसे ही में जैसे आप हमेशा करते हो कि आपको पहले सेक्शन काटना है, तो वहाँ पे तो कैंटिलीवर की बात थी, ये एंड फिक्स था, जहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जीरो था, तो हम हमेशा फ्री हैंड से काटते थे। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी साइड से काट सकते हो, तो आपकी विषय ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर साइड से काटना है, आप किसी भी साइड से काट सकते हो। मैं यहाँ से काटती हूँ। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्स सेक्शन है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, एक्स। ठीक है, अब ये है आपका जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है, इट इज़ नॉट कैंटिलीवर। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका बीम है, ठीक है, ये जो बीम है इसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि जो बीम के सपोर्ट है, ये जो नीचे सपोर्ट मैंने आप प्रोवाइड किया है ना, ये दोनों ही सपोर्ट क्या कर रहे हैं, इस लोड को रसिस्ट कर रहे हैं, तो ये नीचे से एक रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, नीचे से एक रिएक्शन दे रहे हैं। एज आपका जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसके बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट लोड लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन नीचे जो डेवलप होंगी, यानी यहाँ पर ये जो आर ए डेवलप होगा और यहाँ जो ये आर बी डेवलप होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बीम क्या है, सिमेट्रिकल है, लोड आपकी सिमेट्री पे बराबर है और पूरा बीम सिमेट्रिकल है, इसलिए आपके जो रिएक्शन यहाँ पर डेवलप होंगे वो भी सिमेट्रिकल होंगे। कितने होंगे, डब्लू बाई टू और डब्लू बाई टू। तो आपका जब भी आप सिंपली सपोर्टेड के साथ डील करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके रिएक्शंस निकालने ज़रूरी हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इनके रिएक्शंस निकालने पड़ते हैं। ठीक है, एज ए तो सिमेट्रिकल है तो आपने डायरेक्टली लोड का हाफ कर दिया, क्योंकि जितना लोड है ये लोड आधा इस पर पड़ेगा, आधा इस सपोर्ट पर, आधा उस सपोर्ट पर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली आपने इसका हाफ कर दिया, तभी तो ये रोक रहा है इस पूरे लोड को। ये पूरा लोड का क्या कर रहा है, आधा यहाँ जा रहा है, आधा यहाँ जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे, आधा इस वाले सपोर्ट पे जा रहा है। ठीक है, सिमेट्री में हम डायरेक्टली इसको कट डाउन कर देते हैं, अदरवाइज जो आपका रिएक्शन है ऐसे हो सकता था कि रिएक्शन एट आर ए प्लस आर बी, दोनों जो है रिएक्शन, ये टोटल लोड के बराबर होता है, जो टोटल लोड है आपका उसके बराबर होता है। ठीक है, इसमें दोनों हाफ हाफ हो गए। ओके, तो अब मुझे एट सेक्शन एक्स, ये एक्स सेक्शन पर मूवमेंट निकालना है, तो एक बार थोड़ा से थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मूवमेंट मैं कैसे निकालती हूँ, क्योंकि हम डबल इंटीग्रेशन मेथड कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा मूवमेंट निकालने का होता है। ठीक है, तो मैं जितने भी नीचे से आने वाले फोर्स है उनको पॉजिटिव और ऊपर से आने वाले फोर्स को नेगेटिव लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, आपके पूरे बीम में आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव, और डब्लू नीचे की तरफ लग रहा है, इसे वो नेगेटिव। ठीक है, तो चले देखते हैं। यहाँ पर अभी मेरे को इस सेक्शन तक पहुँचना है, ध्यान देना, मुझे बस यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक पहुँचना है। तो अगर इस पॉइंट पे आप देखते हो तो मेरा डब्लू इस पॉइंट के बियॉन्ड है। ठीक है, तो मैं इस W को यूज़ ही नहीं करूँगी, ज़रूरत ही नहीं है मुझे इस W को यूज़ करने की, मुझे सिर्फ यहाँ से रिएक्शन जो ये आपका आ रहे है, ये कितने डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या हो गया, ये आपका लोड हो गया,
ये ठीक है, और लोड इंटू में डिस्टेंस, तो लोड कितना होगा ये आर ए इंटू में डिस्टेंस कितना एक्स, जो कि आपका बन जाएगा डब्ल्यू बाय टू इंटू एक्स। यही आपका मूवमेंट एट कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको, एक्स एक्स पर ठीक है। अब ये मूवमेंट आप चाहे यहाँ से ले लो चाहे वहां से ले लो, दोनों तरफ से बराबर मिलने वाला है ठीक है, दोनों तरफ से बराबर मूवमेंट मिलेगा। अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप यहाँ से चलते हो तो अपवर्ड मूवमेंट पॉजिटिव, जब आप इस साइड से चलते हो तो जो भी अपवर्ड मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव, जो भी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो नेगेटिव। जब आप उस साइड से आते हो ठीक है, तो अपवर्ड नेगेटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाता है ठीक है। तो वहां पे देखते हैं, वहां पर अगर वहां से देखा जाए तो आपका ये जो बी है, दिस बी, ये बी क्या कर रहा है, यहाँ से घूम के इस पॉइंट पे पड़ रहा है ठीक है। ये कैसे पड़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ रहा है, सॉरी इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक है, इसलिए क्या हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मुझे मूवमेंट एट एक्स लेना होगा तो माइनस डब्ल्यू बाई टू करना पड़ेगा ठीक है। और ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पर डब्ल्यू यहाँ से इस पॉइंट पर कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, घूमते हुए यहाँ से ऐसे घूमते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये प्लस डब्ल्यू तो बराबर में कितना हो जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा, दोनों आपका बनेगा, अच्छा ये आपका इंटू एक्स भी होना है, इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स ठीक है। ये दोनों आपका कितना बनना है, डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स। दोनों तरफ से करोगे दोनों तरफ से सेम रीडिंग आएगी ठीक है ना। मेरा बस बताने का मतलब यही है कि आपको सोम के भी थोड़े कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहे तब आपको मूवमेंट निकालने में आसानी होगी। अगर आपके सोम के कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं है तो मूवमेंट निकालने में आपको दिक्कत आने वाली है ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो मूवमेंट मिला है वो मिल गया है डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स ठीक है। जो हमारे काम की बात है वो बस इतनी ही है ठीक है ना। ओके अब ये जो आपका मूवमेंट आया है, ऑब्वियसली बात है मूवमेंट किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा ई आई डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स इन, ये होता है आपका बराबर एम एक्स, और ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स। अब इसको क्या करना, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको हम एंट्री गेट करते हैं ठीक है, यही करते हैं हम लोग हमेशा। चलिए तो अब इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ई आई डी वाई वाई डी एक्स बन जाएगा ठीक है। और ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, पहले से ही है डब्ल्यू, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर बाई टू इंटू टू ठीक है। डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर बाई टू इंटू टू प्लस एक कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पे मिलता है, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड को इंटीग्रेट करो ठीक है, इंटीग्रेट करो सेकेंड को, आपने पहले फर्स्ट को की थी अब सेकेंड को करो। तो ये हो जाएगा ई आई y, ये कितना हो गया, ये हो गया w x क्यूब, और ये टू इंटू टू फोर इंटू थ्री ठीक है, प्लस सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू, ये हो गया थ्री ठीक है। देखो इजी है, कुछ भी नहीं किया, बहुत इजीली आपने यहाँ पे इसको कर लिया ठीक है। अब मैं ऊपर थोड़ा सा रब कर देती हूँ और वहाँ पे हम लोग एंड कंडीशंस जो है वो पुट करके देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसमें है कि मूवमेंट निकालना आना चाहिए। आपको एक बार मूवमेंट निकालना आ जाएगा ना तो आपके लिए ये इक्वेशन, ये जो आपका तरीका है, ये मेथड जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने का, बहुत ही इजी हो जाएगा ठीक है। चलो तो अब हम यूज करते हैं एंड कंडीशन। चलो यूजिंग एंड कंडीशन, अब एंड कंडीशन को यूज करेंगे तो सबसे पहले मैं एक्स को, देखो एक्स क्या है पूरा आपका, सबसे पहले जो मैं एंड कंडीशन यूज करती हूँ, एक्स को एल बाई टू के बराबर रख देती हूँ ठीक है। एल बाई टू के बराबर रखने का मतलब है कि मैं एक्स यहाँ से सी पे पहुँच गई, मैं ए से सी पे, अब मैं सी पे बात कर रही हूँ ठीक है। अगर मैं सी पे देखती हूँ तो सी, क्योंकि मैं सी पे इससे बात कर रही हूँ, देखो यहाँ पर स्लोप कैसे बनता है, स्लोप देखो जरा ध्यान से समझना इसको, इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ये आपका क्या है, डिफ्लेक्शन ठीक है, ये आपका डिफ्लेक्शन है ओके। बहुत गंदी ड्राइंग सी बन रही है मेरी तो, यहाँ पे पेन ठीक से नहीं चल रहा ओके। ओके ठीक है ओके चलो, तो यहाँ पर ये देखो, ये तो डिस्टेंस है आपका x यहाँ से यहाँ तक का, इसको मिटा दो अभी यहाँ,
ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन खींचते हो, ठीक है, ये टेंजेंट से होते हुए जाता है ये पॉइंट, तो यहाँ से थीटा बनाता है, तो एट दिस पॉइंट आपको थीटा मिलेगा, ठीक है। अब एक सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट पे आप जब लाइन खींचते हो यहाँ पर, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ कोई एंगल नहीं बनता, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही गंदा डायग्राम बन रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा, तो एट सी पॉइंट आपका यहाँ पर डिफ्लेक्शन तो आएगा, ये डिफ्लेक्शन तो आएगा, लेकिन आपका जो थीटा है वो जीरो हो जाएगा एट सी, तो एट सी आपका जो थीटा है वो जीरो, थीटा क्या है स्लोप, यानी ये जो स्लोप का इक्वेशन है ये एट सी पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। अगर ये पॉइंट सी पर जीरो हो गया, हमें तो वही पॉइंट ढूंढना है ना जहाँ पे ये जीरो हो जाए, क्यों, क्योंकि हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू आ जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या आएगा, ये पूरा जीरो हो गया, सी वन क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर बाई फोर, अब इस एक्स की जगह पर आप एल बाई टू रख दो, तो यहाँ पे आप एल बाई टू का स्क्वायर कर दो, एक्स की जगह पे एल बाई टू रखोगे तो ये कितना हो गया, टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर और ये हो जाएगा सिक्सटीन, ठीक है, समझ में आया, इजी है। चलिए अब मुझे वो पॉइंट देखना है जहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो, तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो है एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट जीरो होता है। अब जब मूवमेंट ही नहीं है, आपने जब सोम में पढ़ा होगा, तो एट पॉइंट ए और बी आपके मूवमेंट जीरो रहते हैं, तो जब मूवमेंट ही नहीं है तो डिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा, ठीक है, तो वहाँ डिफ्लेक्शन आपका ज़ीरो रहा, ठीक है। तो अब यूज़ करते हैं हम एक्स बराबर जीरो, यानी अब मैं ए पॉइंट पर पहुँच गई, अगर मैं ए पॉइंट पर पहुँच गई तो मेरा वाई जीरो हो गया, वाई जीरो हो गया तो यहाँ पर चलो मैं इसका एक बार नीचे कर देती हूँ, जगह नहीं है ना, x बराबर जीरो, ठीक है, x बराबर जीरो किया तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, जब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ तो ये कितना हो गया 12, ये हो गया आपका, ये हो गया जीरो, जीरो बराबर ये हो गया आपका, x का वैल्यू रखा तो ये जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पर सी का सी क्या है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्सटीन, अच्छा ये भी x था, ठीक है, तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है, ये भी जीरो हो गया, तो C2 जो यहाँ पर आ रहा है आप देख सकते हो C2 will become जीरो, ठीक है, C2 क्या आ रहा है जीरो, समझ गए, C2 क्या आया जीरो। चलिए अभी आपका C1 आ गया, C2 आ गया, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास स्लोप की एंड डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं C1 में C1 की वैल्यू पुट करती हूँ, तो C1 की वैल्यू क्या है, ये हो गया माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्सटीन, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्सटीन। अब यहाँ पुट करो तो यहाँ पर इस जगह पर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्सटीन इंटू एक्स और प्लस ज़ीरो, ठीक है, आ गया। अच्छा अब मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है और स्लोप निकालना है, ठीक है, तो अब मैं काम करती हूँ कि मैं अभी फिर से जो है सेम जो जो आपकी एंड कंडीशंस थी वो ले लेती हूँ, ठीक है, तो अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटाओ पहले, सबसे पहले यहाँ पे एंड कंडीशन को एक्स बराबर जीरो कर दो, ठीक है, अगर आप एक्स बराबर जीरो करते हैं तो यहाँ पे देखो इसको छोड़ो ऐसे, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पे क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बीम अपना ये देख सकते हैं, इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियरली बना देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, देखो एक्चुअली आपका सिंपली सपोर्टेड बीम ये है, ठीक है, ये, और इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सी है, यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको एट पॉइंट सी, ठीक है, ओके, ठीक है ना, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आपको एट पॉइंट सी मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन नो डाउट यहाँ से आपका जो स्लोप है, आप यहाँ पे जो एक टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ पर आपको थीटा मैक्स मिलता है, यहाँ थीटा आपको जीरो मिलता है, एट दिस पॉइंट थीटा सी विल बी जीरो,
ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे थीटा यहाँ मैक्स मिलेगा, ठीक है। तो x बराबर जीरो कर देती हूँ मैं, x बराबर जीरो करूँगी तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। किसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी? थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या? अदरवाइज होगा ये कि कुछ भी इसमें ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू ऑलवेज इसमें घटेगी तो थीटा की वैल्यू कम ही होगी। तो ये जीरो हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा की क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम वैल्यू जो आपको थीटा की मिलेगी, थीटा ए पर, ठीक है। ये भी बात है कि ये थीटा ए पर है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली वो हो गई आपकी माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर पर 16, ठीक है। अगर मैं एक्स को एल के बराबर कर दूँ यानी एट बी, तो थीटा एट बी दोनों अपोजिट है तो यहाँ पॉजिटिव डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 मिलेगा, ठीक है। थीटा एट बी पर पॉजिटिव मिलेगा। चलो ये चीज़ समझ में आ गई तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिफ्लेक्शन कहाँ ज़्यादा है? डिफ्लेक्शन सी पे ज़्यादा है, तो हम इस एक्स को क्या कर सकते हैं? एल बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि एल बाई टू पर ही तो ज़्यादा है। ये यहाँ से एल बाई टू डिस्टेंस ही तो है, इस पर तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, तो चलो हम एल बाई टू कर देते हैं। अगर मैंने एक्स को एल बाई टू किया तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर एक्स एक्स जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है? एल बाई टू। तो यहाँ पर मैंने ये डब्लू, यहाँ आ गया एल, एल क्यूब बाई टू, तो क्या हो गया? एल क्यूब बाई फोर टू जै ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू एट, ठीक है, ट्वेल्व इंटू एट माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एल बाई टू है तो ये भी क्या होगा? सिक्सटीन इंटू टू, और यहाँ हो गया एल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको यहाँ पर जो आंसर मिलता है वो होता है माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 ई आई। ये इसके पीछे भी ई आई लगा देना, ई आई सबके पीछे लगा देना, ठीक है। पीछे नहीं मतलब सॉरी नीचे लगाते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, ये नीचे लगता है। ई आई 16 के साथ आएगा, ई आई इसका 48 के साथ आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन का इक्वेशन और ये स्लोप का इक्वेशन। ये एंटी क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक कैसे होता है? इस तरीके से, क्लॉक वाइज है तो क्लॉक होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपने इस डबल इंटीग्रेशन मेथड से सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, यहाँ पे आपने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकाला है। थैंक यू।